मेरा डाउट ये है कि लास्ट वाले कुछ मॉक से मेरा मेरा वन ऑफ द एजेंडा वो होता है कि मैं 135 या 140 अटेम्प्ट करूँ, लेकिन फिर भी पूरे मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाता। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी बहुत टाइम हो गया, सेक्शन देते हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मॉक वाले दिन में पूरे पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाता। ओके सो देयर माइट बी टू प्रॉब्लम्स दैट आर देयर माइट बी टू कॉजेस दैट आर बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. एक है कि आपका रीडिंग स्पीड कम है, व्हिच आई डोंट थिंक शुड बी द केस इफ यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड गिविंग सेक्शंस. सेकंड कुड बी कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो आप इलैबोरेट कर सकोगे कि आप किस किस सेक्शन को कितना टाइम देते हो, लाइक कैसे एक मॉक सॉल्व करते हो? इंग्लिश 25 मिनट में हो जाता है, हाँ सीआरबी 25 मिनट, उसके बाद हाँ जीके में मुझको 10 या 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, उधर हम 10 भी ठीक है, फिर भी 10 इज ओके. वी कैन ट्राई टू रिड्यूस इट टू 8, बट ठीक है, जीके स्टिल ओके. 12 मिनट इज अ बिट टू मच. अगर टफ नहीं होगा तो, अगर टफ हो जीके तो 12 मिनट इज ओके. लाइक 1 मिनट है मेरी बैटरी. हमारा जीके टफ था तो हमारे इसमें ठीक है. मैंने अगर थोड़े आपने 12 मिनट लेके तुक्के लाइक इंटेलिजेंट गैसेस मार लिया, तुक्के भी नहीं इंटेलिजेंट गैसेस मार लिया, तो इट्स ओके. बट अगर आपने ऐसे इजी वाले जीके के पेपर में 12 मिनट ले, तो इट इज अ बिट ऑन द हायर साइड अगेन. और ठीक है, 12 मिनट जीके हो गए और उसके बाद लीगल 40 मिनट। लीगल 40 मिनट. ओके तो 30 30 30 हमारे इंग्लिश सीआर में हो गए. फिर उसमें मैं 12 ऐड करूँ तो हो गए हमारे 42, और उसमें 40 ऐड करूँ 82 मिनट्स हो गए. और हमें आप कितने मिनट में मॉक देते हो? 120 मिनट, लाइक 2 घंटे में देते हो या 1 घंटा 50? 50 मिनट 1 घंटा 50 में तो 110 से माइनस करके अभी हमारे पास आ गए. स्टिल वी आर गेटिंग अराउंड अ सफिशिएंट टाइम फॉर मैथ्स आई थिंक. तो आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मुझे टाइम मैनेजमेंट फिर भी कई हद तक सही लग रहा है. तो आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो पूरा पेपर? क्या हो रहा है? दीदी, मैंने बहुत एनालाइज किया लेकिन बस यही नहीं समझ पाया हूँ। बट अगर आप बोल रहे हो मुझे कि आप 25 मिनट में पूरा इंग्लिश कर लेते हो, आप पूरा इंग्लिश कर लेते हो ना, कोई पैसेज छोड़ते नहीं हो ना. 25 मिनट में आपकी सीआर हो जाती है, 40 मिनट में आप लीगल करते हो तो पूरा लीगल फिनिश करते हो ना. लीगल नहीं हाँ होता चाहिए। अच्छा, लीगल पूरा फिनिश नहीं कर पाते 40 मिनट में, तो लीगल प्रॉब्लम है आपकी. तो आपका इंग्लिश फिनिश हो रहा है, सीआर फिनिश हो रहा है, जीके में हमें थोड़ा टाइम करना है. जीके में टाइम करने में इतना टाइम नहीं जाएगा, जीके इज स्टिल वेरी डुएबल टू रिड्यूस टाइम. मैथ्स में कितना टाइम ले रहे हो आप? कितने सेट्स बनाते हो और एवरेज? इसके लिए 10 या 8 मिनट बचते हैं बस। इतने कम कैसे बचते हैं? बिकॉज अगर आप 30 मिनट्स में समझो आपने सीआर इंग्लिश कर लिया है, 12 मिनट में जीके कर लिया, तो 42 मिनट्स हो गए. 42 मिनट्स में आपने 40 मिनट्स का लीगल ऐड कर दिया, 82 मिनट्स हो गए. 110 में से 82 जाके बचते हैं 28. तो 28 मिनट्स आपके मैथ्स के लिए बचने चाहिए फिर तो. बहुत ही अच्छा टाइम भी मैनेजमेंट हो गया. तो फिर मैथ्स के लिए आपके पास बस 8 10 मिनट क्यों बच रहे हैं? मुझे वो समझ नहीं आ रहा. आप अगर आप बोल रहे हो कि आप लीगल 40 मिनट में फिनिश करते, तो आप 40 मिनट में छोड़ देते हो या डू यू गो बैक टू इट अगेन? बस छोड़ देता हूँ 40 मिनट के बाद। तो फिर मैथ्स के लिए कम टाइम क्यों बच रहा है? ये मुझे एक पैराडॉक्सिकल लग रहा है. इट्स और लाइक हाँ, पहले तो पैराडॉक्सिकल लग रहा है, एक तो मुंह से पेन बाहर, और दूसरा दुखी होके मत बता, पहले एक्टिव होके बता ताकि समझ में आए, है ना। और क्लियर बता मुझे, जब तू 40 मिनट में लीगल करके छोड़ रहा है तो कितने पैसे छोड़ रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है कहीं, क्यों, अरे ये क्या पर्ची से निकाल रहा है, क्योंकि डेटा में कहीं ना कहीं कोई ग्लिच है, तुम समझ लो डेटा क्लियर नहीं है। सर, सीआर 25 मिनट हाँ मैंने लिख लिया, पूरा 3 बार हिसाब फिनिश, लगाओ, अभी पूरा लगाया फिनिश, हिसाब। इंग्लिश मैंने भी 25 मिनट लिखा में, इंग्लिश है 25 मिनट में पूरा फिनिश, 30 हो गए. ओह पच्चीस और पच्चीस नहीं तब 50 हो गए। आई एम सो सॉरी. तो इसका 10 एक बचा है सर, 28 मिनट कहाँ से कर दिए। हाँ, 25 25 50, और आगे बोल सर, लीगल 40, 40 90 मिनट, 90 मिनट, जीके 12 मिनट, 102, और OMR 4 मिनट, 106, चार और मिनट फिर मैथ्स क्वांट, है। एक 4 मिनट क्वांट के लिए तो बचे तेज हैं। बोल, मैं बता रहा हूँ, मुझे ना ऐसे बकरी जैसे बोल, शेर बन तू, 4 मिनट क्वांट के लिए सिर्फ 4 मिनट बचे, 4 मिनट बचे ना, अगर तू 110 मिनट ले रहा है तो, मैं यस सर। तू 120 मिनट ले रहा है तो तेरे लिए 14 मिनट बचे क्वांट के लिए।
जो कि पूरे हो जाएंगे, पर सवाल ये नहीं है तेरे 14 मिनट के बाद भी तू 40 मिनट लीगल में लेके कितने पैसे छोड़ता है? दो दो पैसे छोड़ देता है, इसका मतलब तू 50 मिनट लीगल, 50 भी नहीं 55 मिनट लीगल में ले रहा है, इसका मतलब लोचा कहाँ है तेरे लीगल में? लीगल में लोचा, लोचा लीगल में। अभी कॉर्नर हो पाई ना प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम कॉर्नर हो गई तेरा लोचा लीगल में। अब सवाल आता है तेरा लोचा लीगल में दो वजह से हो सकता है। पहली वजह कि तू पढ़ता स्लो है, अगर तू पढ़ता स्लो तो इंग्लिश सीआर भी घुसी हुई होती, पर क्योंकि इंग्लिश सीआर घुसी हुई नहीं है और लीगल में तेरा लोचा है, तो अब सवाल आता है कि लीगल में तेरा लोचा है इसका मतलब तू पढ़ता स्लो नहीं है पर तेरी लीगल से, या ए तो अगर तेरे इंग्लिश सीआर में मार्क्स कितने आ रहे हैं? सर इंग्लिश में भी 18 और सीआर में भी इतना ही, 18 18 18 और सीआर में भी 18। अब ध्यान से सर तेरे लीगल में कितने नंबर आते हैं? सर लीगल में आता है 28 29 30। अब ध्यान से बात सुन, हो क्या रहा है, देखियो ध्यान से, हो क्या रहा है कि तू इंग्लिश और सीआर जो जल्दी कर रहा है वो जल्दी होने की वजह से ये नहीं हो रहा है कि तेरे वो सेक्शन जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तूने बताया सब लोगों के और मेरे दिमाग में इंप्रेशन ये आ गया था कि तूने सेक्शन जल्दी करा है तो तेरे नंबर भी उसमें ज्यादा आ रहे हैं इसीलिए तू उसको जल्दी कर रहा है, पर मैं क्योंकि तेरे को जानता हूं इतने दिन से देख रहा हूं तो मुझे पता था कि वो जो तू सेक्शन जल्दी कर रहा है वो तू कर तो जल्दी रहा है पर उसमें तेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, और क्योंकि लीगल में तुझे नंबर लाने क्योंकि वही तुझे जिंदा बचाई हुई है इसीलिए तू उसको बहुत स्लो कर रहा है, क्योंकि तू उसको बहुत स्लो कर रहा है इसलिए 40 मिनट में तेरे नंबर तो 28 आ रहे हैं पर तेरा वो सेक्शन छूट जा रहा है। तो अब ध्यान समझ कि समस्या तेरी लीगल में नहीं, समस्या तेरी लीगल इंग्लिश सीआर में मिला के, क्योंकि जैसे ही तू फास्ट सोचना शुरू करता है तेरे दिमाग का सर्किट उड़ जाता है और जैसे ही तू स्लो सोचता है तेरे दिमाग का सर्किट चलता रहता है। समझ में आ रहा है सर? समझ में आया? यस सर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि जिसको ताली बजानी चाहिए जानवी वो तो खुद बजा नहीं रहा है। जिसको ताली बजानी चाहिए सर आपने मुझे बता दी क्या प्रॉब्लम है वो बजा नहीं रहा, बाकी बजा रहा है। तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई थी बिकॉज़ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं जानता था। तो अब सवाल समझ, सवाल समझ। तो सवाल ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। कोर ऑफ द प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई, अभी अब आएगी कोर ऑफ द प्रॉब्लम। कोर ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि अब कड़वा सच बोलने वाला हूँ, अब कड़वा सच बोलने वाला हूँ, ध्यान सुनियो, चुभेगा है ना, पर सच बता रहा हूँ। कोर ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि इस कोर ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम तेरी है इसको तूने अपनी रजाई बना लिया है उस सर्दी में, जो ये है कि अगर तू अच्छा कर गया तो फिर हो जाएगा और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कड़वा है पर सच है, समझ रहा है? कड़वा है पर सच है और मैं बहुत सीधा बोल रहा हूँ, मैं घूम के नहीं आऊंगा। सर्दी है, हो रही है बहुत, और सर्दी किस बात की है? ठंड इस बात की है कि तू बाहर निकलेगा तुझे लग रहा है मर जाएगा। किस बात से बाहर निकलेगा? कि अगर तरुण ये तो तू सुधार सकता है, तुझे पता है तू ये सुधार सकता है, पर तुझे पता है कि सुधारने में लगेगी बहुत मेहनत, तो तूने कह दिया कि यार हो नहीं पा रहा है मैं क्या करूं। सर सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन ये कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बस एक शेर है, ना तो हमदम से निकलेगा ना हम नशीन से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही से निकलेगा। और मैं तुझे क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ। मुझे इतनी देर तक ये कहानी, मैंने तुझसे, तेरे से कोई नहीं पूछता इनमें से, मैं बता रहा हूँ तेरे सीआर और इंग्लिश के नंबर मैंने क्यों पूछे, क्योंकि मुझे पता है तू अगर 25 मिनट में 18 नंबर ला रहा है तो इसीलिए तू लीगल ज्यादा देर से कर रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि लीगल तुझे बचाएगी, और तू अगर लीगल भी कम टाइम में करेगा तो तेरी लीगल घुस जाएगी। तो समस्या क्या आ रही है? समस्या ये नहीं है, समस्या टोटल है। ये एलोपैथी का इलाज नहीं है, हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर है। पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में दोष क्या है? दोष ये है कि फास्ट पढ़ने में दिमाग नहीं चल रहा, स्लो पढ़ने में दिमाग चल रहा है। यस सर। और अगर फास्ट पढ़ने में दिमाग नहीं चल रहा, स्लो पढ़ने में दिमाग चल रहा है, तो उसकी वजह से वो क्यों है? क्योंकि तुमने अपने दिमाग के साथ बहुत सारे एंकर लगा रखे हैं, और एंकर किस बात के? एंकर वो सारे प्री कंसीव्ड नोशन के जो तुम अपने साथ लेके चलते हो, कि हाय मैं क्या करूंगा, हाय मेरा कैसे होगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतनी परेशानियां चल रही, मैं उनमें पढ़ाई कर रहा हूँ पर ये कैसे होगा, इन पढ़ाइयों के साथ में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, मैं इतनी सारी तो चुनौतियां झेल रहा हूँ, मैं इतने सारे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तब भी क्यों नहीं हो पा रहा मेरे साथ, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन सबसे बाहर निकलो। समझ में आ रहा है? तुमने जो हुकिंग कर रखी ना अपने दिमाग में, एंकर बना रखे सब, है ना? मैंने पहले भी बताया कि ये छोटा सा पेन है, ये भारी नहीं है, अभी इस पेन के साथ में हुक करते 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 5000 पेन लगा दूं तो भारी हो जाएगा, उठा नहीं पाऊंगा। तेरा थॉट ये होता है पर उसके साथ तू सब हुक कर रहा है। हुक मत कर, डोंट बी अ, लिख ले तेरी सॉल्यूशन, डोंट बी अ विक्टिम, यू आर नॉट द वन। गोपी बहू बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तू नहीं है गोपी बहू,
सर दिस दिस इज सो वाह, मुझे ये सेशन अटेंड करके मुझे खुद बहुत एनरिचमेंट होता है और बहुत वैल्यू। बहुत दिनों बाद मैं जानवी किसी सेशन में किसी टॉपर के साथ बैठा हूँ, तुझे पता है? पर सच में मैं बैठता ही नहीं, मैं छोड़ दिया। तो तू आई इसलिए मैं बैठा हूँ, ये समझ। तू आती नहीं मैं बैठता नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ ध्रुवे का? मै बैठता नहीं अभी टॉपर सेशन के साथ, तो तू आई तो मुझे मजा आ रहा था बैठने में, जानवी आई मजा आया। और एक घंटे बाद अभी मेरी क्लास है पर मैं बैठा हूँ। नहीं एक्चुअली इससे वैल्यू बहुत, मैं जानता हूँ तू आई, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ बेटा बस क्योंकि तू आई, तो मुझे मजा आ रहा था, वहीं चलो बैठते हैं। तरुण तुझे समझ में आई गोपी बाबू? डोंट बी अ गोपी बाबू, गोपी बाबू नहीं होना है, समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। गुदवा ले हाथ में, मैं बता रहा हूँ जिंदगी भर काम आएगा। लिखवा ले आई एम नॉट अ विक्टम, I'll rather be a culprit than to be a victim. मैं किसी से अपनी शिकायत करने जाऊं इससे अच्छा तो चार लोग मेरी किसी से शिकायत कर दें तो मजा आए, है कि नहीं? कि अरे बहुत ही गंदा है, हाँ है, बताओ क्या करोगे? Someone has asked, were you thinking constantly about something during the exam in the back of the mind? Because I keep thinking about something or the other. No, पूरा attention paper पे ही था, मैंने बोला था one passage. कैसी बातें कर रहे हो? कहीं और सोचोगे तो पढ़ोगे कैसे? सुसाइड का प्लान है तो पूरा सुसाइडल प्लान है। इट्स लाइक अगर आपके सीरियसनेस ही दिखते हैं फिर उससे लेट्स बी कोकिला बने। अभी अरुण आपके कोई और डर है? ये हो गया हो गया हो गया। अच्छा ठीक है।